हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हमने कम्युनिकेशन स्किल के लेक्चर से स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पहला लेक्चर था जिसमें डिस्कस किया था कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके टाइप्स को भी डिस्क्राइब किया था। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स। तो अगर मैं पहले डेफिनेशन की बात करूँ तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन थी वहाँ पे हम वर्ड्स यूज कर रहे थे फॉर ट्रांसफरिंग मैसेज या ट्रांसमिटिंग मैसेज। तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग और वर्ड्स ट्रांसमिट करें, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सर्टेन जेस्टर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, तो वो हमारी कहलाएगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, सेंडिंग अ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉन वर्बली, इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंडिंग बाई सर्टेन जेस्टर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज में देखा जाए ये जो कि है फेशियल एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे पास हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, ये डिफरेंट मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं, हालांकि हम किसी को बता नहीं रहे वर्बली। और अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इंटू 9 टाइप्स। नंबर 1 इज फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जब हमारे फेस या उस फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू ट्रांसमिट हो तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, सामने वाले को हम अगर ना ही बताएं तो वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि वी आर हैप्पी, हमारी कंडीशन का पता चल जाता है। जहाँ पे सैडनेस भी हमारी कंडीशन का पता सामने वाले को मुंह देख के पता चल जाता है। इस हिसाब से हमारी होती सारी फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि इम्पोर्टेंट भी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके बाद सेकंड टाइप की बात करें तो जेस्टर्स। अब जेस्टर्स क्या है? जेस्टर्स फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को हाई करें, मुंह से तो ना बोलें पर हाथ हिला के हाई करें तो सामने वाला समझ जाता है कि यू आर ग्रीटिंग। तो और पॉइंटिंग आउट, फॉर एग्जाम्पल आप किसी किसी को बुलाना चाह रहे हैं और आप बिना बोले अगर उंगली उसके तरफ करें तो वो स्पेसिफिक पर्सन, उसे पता चल जाता है कि होम यू आर कॉलिंग। अब यूजिंग फिंगर्स टू इंडिकेट न्यूमेरिक अमाउंट, न्यूमेरिक अमाउंट हम बिना किसी को बताए अगर हम बोले फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 तो वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे जेस्टर्स का रोल होता है ज्यादा। अब अगर इस फिगर में देखें स्टीपलिंग ऑफ फिंगर्स, जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में होते हैं तो हम ऐसे हाथ करते हैं जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का मैसेज जाता है सामने वाले को। हैंड क्लास्प, जब हम कंफ्यूज हो तो इस हिसाब से हाथ करते हैं, जब हम डाउट में हो तो नॉन टच करते हैं। एल्च एंड रेस्ट, जब हम हाई कॉन्फिडेंस में हो, हमारे कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे, तो हम हमारी ये कंडीशन होती है, ऐसे हिसाब से मैसेज ट्रांसमिट होता है। एंड देन लास्ट फिगर बोले कि रेजिस्टिंग स्पीच। अब रेजिस्टिंग स्पीच, जब हम बोलना ना चाह रहे हो कुछ, तो इस हिसाब के एक्सप्रेशन बनते हैं। थर्ड टाइप की बात करें तो पैरालिंग्विस्टिक और वोकल कम्युनिकेशन। पैरालिंग्विस्टिक या वोकल कम्युनिकेशन, हमने वोकल कम्युनिकेशन तो वर्बल कम्युनिकेशन में भी डिस्कस किया था, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? बेसिकली वहां पे हमारे पास मैसेज ट्रांसमिट होता था यूजिंग वर्ड्स, यहाँ पे हम मैसेज तो ट्रांसमिट कर रहे हैं पर यहाँ पे वोकल कम्युनिकेशन भी यूज होगी। पर यहाँ पे पैरालिंग्विस्टिक या वोकल कम्युनिकेशन मीनिंग है इंटेंसिटी ऑफ साउंड या पिच कह दो, तो वो पिच जो मैसेज ट्रांसमिट करती है वो हमारा टाइप कहलाता है वोकल कम्युनिकेशन या पैरालिंग्विस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बोलने का एटीट्यूड या बोलने की इंटेंसिटी ऑफ साउंड से डिफरेंट मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। आप एंगर में बोलें तो वो डिफरेंट मैसेज ट्रांसमिट करेगा, हालांकि आप बंदे को ना बताएं पर उस बंदे को अंदाजा हो जाता है बेसिकली कि बंदा किस मूड में है, या मूड का पता चल जाता है। वहीं पे अगर पिच की बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल के वॉइस में डिफरेंस हमें पिच से पता चल जाता है। तो ये एक किस्म का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। अब अगर किसी रेफर्ड वोकल कम्युनिकेशन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल वोकल कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस, लाउडनेस, पिच ऑफ साउंड, और ये जो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग वॉइस, या ये सारा मैंने ऐसे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद 4 और 5 टाइप बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर। अब ये क्या है? पोस्चर एंड मूवमेंट आल्सो कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन। इफ यू सफर फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर मीन्स आप अकेलेपन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तो वो होता है एक किस्म का बॉडी लैंग्वेज ही होती है। देयर आर सम बॉडी लैंग्वेजेस। अब बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर और काम क्या है, उसमें कैसे मैसेज ट्रांसमिट होता है? फॉर एग्जाम्पल स्लाउचिंग, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात तो नॉन वर्बली कर रहे हैं या
आप किसी के साथ हैं और आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कुछ पूछ रहा है या नॉन वर्बली, आप कैसे मैसेज ट्रांसमिट करोगे कि आपको लेजीनेस, कोई किसी से आप बात कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और पे है, आपके सर नीचे है आपका एंड यू आर नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, तो वो एक नेगेटिव मैसेज देता है सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल थम्स आउट इन चार्ट डोमिनेंट, जब आप कॉन्फिडेंट में हो, फिग लीफ सेल्फ कंट्रोल, और ये कुछ पोस्चर्स हैं जो कि डिफरेंट मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। अब आपके पास मैंने जैसे वीक हैंडशेक अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, वीक हैंडशेक का की कंडीशन ये कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से एग्रीमेंट साइन कर रहे हो और आप अंदर अंदर चाह रहे हो कि मेरी से जान छूटे, तो आप हैंडशेक में लूजली हैंडशेक करके निकलने की करते हैं, तो दैट क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट। आई कॉन्टेक्ट भी मेंटेन ना रखना, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देन अगर सिक्स टाइप की बात करें तो प्रॉक्सिमिक्स, अब प्रॉक्सिमिक्स से क्या मुराद है, प्रॉक्सिमिक्स फॉर एग्जाम्पल हम कम्युनिकेशन में एक डिस्टेंस होता है प्रॉपर एक दो बंदों के बीच में, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे डिस्टेंस प्लेज अ वाइटल रोल। फॉर एग्जाम्पल अब सोशल डिस्टेंस हो गया या हमारे पास कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट में पर्सनल स्पेस भी एक होता है, उसके हर स्पेस की सर्टेन लिमिट्स या लेंथ होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। People often refer to their need for personal space, which is also an important type of non-verbal communication. The amount of personal space needed when having a casual communication with another person, usually between 18 inches or 4 feet. Casual communication में हमारे पास 4 feet का distance होता है, जो कि personal एक communication होती है हमारी. On the other way, the personal distance needed when स्पीकिंग टू क्राउड ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑडियंस को आप के साथ आप स्पीच पे बात कर रहे हो या कहीं पे लेक्चर दे रहे हो, तो वहां पे आपके पास डिस्टेंस वेरी कर जाता है 10 to 12 feet। उसके बाद सेवेंथ टाइप की बात करें तो आई कॉन्टेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि कभी भी आप किसी से बात करें तो पहला स्टेप यही होता है कि आप आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन रखें। द आईज प्ले वाइटल रोल या इम्पॉर्टेंट रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सच दैट लुकिंग स्टार्टिंग इन ब्लिंकिंग आर इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल बिहेवियर्स। पीपल ऑल्सो यूटिलाइज आई गेज, अब आई कॉन्टेक्ट को आई गेज भी कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल स्टीडी आई कॉन्टेक्ट इज ऑफ्टन टेकन ए साइन ऑफ दैट अ पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ आर ट्रस्टवर्थी। तो अगर नॉर्मल आई कॉन्टेक्ट मीन्स आप 4-5 सेकंड तक आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन रखें एंड देन थोड़ी आंख को घुमा के दोबारा आई कॉन्टेक्ट को मैचअप करें, तो ये हमारे पास ट्रस्टवर्थी और ट्रूथ की निशानी है या वो मैसेज ट्रांसमिट करता है। शिफ्टी आईज एंड एन इनएबिलिटी टू मेंटेन आई कॉन्टेक्ट ऑन द अदर एंड इज फ्रीक्वेंटली सीन एज एन इंडिकेटर दैट समवन इज लाइंग आर बिहेविंग डिसेप्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात तो कर रहे हैं, आप आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रख रहे हैं, फिर से आप आँख हटा रहे हैं, मतलब आपका आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो एक किस्म का नेगेटिव मैसेज क्रिएट करता है कि सामने वाले को आइदर ही पता चलेगा, आइदर यू आर नॉट कम्फर्टेबल विथ हिम या आप झूठ बोल रहे हैं, तो इस तरह के मैसेज ट्रांसमिट करता है आई कॉन्टेक्ट। देन टिप्स, अगर टिप्स में कुछ दूँ या कुछ बताऊँ इस आई कॉन्टेक्ट पे, तो establish eye contact at the start, ये तो किसी भी कन्वर्जेशन की स्टार्टिंग यही होती है कि पहले पहले आपको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है। यूज 50-70 rule, 50-70 rule क्या है, 50-70 rule means जब आप आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रख रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो 50% आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए उस बंदे के साथ, और जब आप उसे किसी भी बंदे को सुन रहे हैं तो आपको 70% टाइम आई कॉन्टेक्ट मेंटेन होना चाहिए, दैट इज नॉन एज 50-70 rule। और अगर दूसरी बात करूं तो आई कॉन्टेक्ट कब तक मेंटेन रखना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट में 4-5 seconds तक मेंटेन रखना चाहिए अगर किसी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो। वेन यू ब्रेक आई कॉन्टेक्ट ग्लैंस टू साइज बिफोर रिज्यूमिंग द आई कॉन्टेक्ट, लुक अवे स्लोली। अब किसी से आई कॉन्टेक्ट हम जब तोड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें आई को मूव तो करना है दूसरी साइड पर, सामने वाली फेस से नहीं हटाना, फेस से नहीं हटाना, मूव करके दोबारा से आई कॉन्टेक्ट को मेंटेन रखना है, जिसे हम कहेंगे लुक अवे स्लोली। व्हेन लुक अवे डू इट स्लोली, लुकिंग अवे टू क्विकली डायरेक्टिंग योर आईज कैन मेक यू अपीयर नर्वस और शाय। उसके बाद हैप्टिक्स, दैट इज अनदर टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्टिक्स एक्चुअल में हमें टच का नाम है एक हिसाब से,
कि हमें जब हम किसी को टच करते हैं तो टच हमें कौन कौन से मैसेजेस देता है. हैप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ टच एंड अदर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. टच ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. टच कन्वेज डिफरेंट मैसेजेस. डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करता है. फॉर एग्जाम्पल टच ऑफ अ मदर टू हर चाइल्ड. अब फॉर एग्जाम्पल टच ऑफ अ मदर टू हर चाइल्ड, अब ये क्या कन्वे करेगा? लव, सिंपति, केयर फॉर हिम और हर. तो ये मैसेजेस टच ऑफ अ मदर टू हर चाइल्ड, यानी किसी बच्चे को उसकी माँ जब टच करे तो वो ये तीन मैसेजेस एक बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है, कैन बी ट्रांसमिटेड. उसके बाद अगर सेकेंड, पैटिंग ऑन द बैक, जब हम किसी को इनकरेजमेंट दे या कोई जीत गया हो तो उससे हम एक हिसाब की शाबाशी देते हैं तो वो पैटिंग ऑन द बैक प्ले अ वाइटल रोल, और वही हमें मैसेज देता है कॉन्फिडेंस का, इंस्पिरेशन का. शेकिंग हैंड्स हम अगर कर रहे हैं तो हमारे पास सेटिस्फिकेशन भी होती है, अप्रूवल भी होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है. अब वहीं पे शेकिंग हैंड का नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. नेगेटिव इम्पैक्ट मीन्स लिम्प हैंडशेक शो लैक ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल आप किसी लूजली हैंडशेक कर रहे हैं तो वो हम आपके पास नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. देन रशिंग हैंडशेक शोज नर्वसनेस. फॉर एग्जांपल आप किसी से एकदम से हाथ मिला के और निकलने की करें, कहीं पर भाग जाएं, तो वो एक नर्वसनेस को शो करता है. Then nine, which is also important type of physical appearance, क्योंकि ये type ऐसी type है जहाँ पे आपको ज़्यादा focus भी देना चाहिए and you have to follow certain rules for physical appearance. जब भी आप किसी audience से, किसी meeting में, कहीं पे भी जा रहे हो तो आपकी physical appearance बहुत matter करती है. कि कोई भी बंदा आपको सुनने से पहले आपकी physical appearance, कि आपका dress, आप कैसे हैं आप, उससे हमारे नॉलेज का पता लगाते हैं. अवर चॉइस ऑफ कलर क्लॉथिंग हेयर स्टाइल एंड अदर फैक्टर अफेक्टिंग अपीयरेंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज मींस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अपीयरेंस कैन आल्सो अल्टर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन. जजमेंट, हमारे फिजिकल अपीयरेंस से लोग हमें जज भी करते हैं, इंटरप्रिटेशन भी देते हैं. हम फॉर एग्जाम्पल हमारे नॉलेज कैसा का पता लगाना है, उसको प्रिडिक्ट करना है कि आपकी इंटरप्रिटेशन है. It also let us know about anyone's culture. For example, हम सिंधी हैं तो सिंधी का कल्चर डिफरेंट होता है. हम कहीं और चले जाएं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं. Then color psychology. अब color psychology is क्या मतलब? Different color भी हमें different messages देते हैं. What effect can it have on our bodies and minds? अब ये पावरफुल फोर्स भी है कलर इन द रेड एरिया ऑफ द कलर. अब रेड स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर आते हैं? वार्म कलर हैं ये, रेड, ऑरेंज और येलो. दीज वार्म कलर इवोक इमोशंस रेंजिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ वार्म्थ. ये हमें वार्म्थ का मैसेज देते हैं, कंफर्ट का, एंड फीलिंग ऑफ एंगर एंड हॉस्टिलिटी. ये कलर साइकोलॉजी जो डिफरेंट मैसेजेस ट्रांसमिट करती है. उसके बाद ये था हमारा आज का लेक्चर.